वेलकम बैक आस्था फैमिली ब्लॉग। और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आस्था फैमिली ब्लॉग में। और अभी हम लोग आए हैं मछली को खाना खिलाने। वैसे तो हम लोग आए थे मछली छोड़ने के लिए, मगर जो मछली छोड़ा जाता है वो वाला नहीं है, ऑक्सीजन वाला मछली है। तो उसको अगर हम इसमें डाल देंगे तो पता नहीं ज़िंदा बचे या नहीं बचे। इसके लिए अभी हम लोग मछली को खाना खिलाएंगे। और यहाँ पे पूजा चल रहा है, पंडित जी के दिख रहे थे। और यहाँ पे मछली को खिलाने के लिए ब्रेड मिल रहा है। मछली मिल रहा है, चलिए। और यहाँ मछली मिल रहा है दान करने वाला, देखिए दान करने के लिए। ये मछली है, ओ ये मछली, वही तो ये मछली नहीं दिख रहा, जिससे हिल भी नहीं रहा है, जिंदा है, मछली है ये। ओ हिल रहा है। और ये भी है ना, हाँ ये देखिए, वो नदी में डालने के लिए ये वाली फिश मिलती है। सिर्फ बाटा कितना ले लें? सॉन्ग सॉन्ग। और ये वाला, ये कौन सा पूछेंगे? ये वो वाली है जी, वो जो नदी में है ना ढेर सारी, वही वाली है ये। हाँ, और मेरा दिल था मछली छोड़ने का, तो जहाँ हम लोग पहली बार गए थे वहाँ नहीं मिला, और यहाँ देखिए मिल गया। अभी हम लोग इसको छोड़ेंगे। ओके, 40 रुपया ब्रेड भी ले रहे हैं। ब्रेड लेके आए थे ना घर से? और आस्था के पापा बोल रहे हैं यहाँ वाला ब्रेड छोड़ो, घर से लाई थी वाला मत छोड़ो। और ये रहा ब्रेड मछली के लिए, और हम लोग ले लिए हैं, अभी चलेंगे छोड़ने के लिए। कितनी सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। इसको डालेंगे अभी, वहाँ पे है नदी, उसमें डालेंगे। और ये रही आस्था, ये रहे आस्था के पापा। हाय कर बेटा, हाय। काफ़ी दिन से हम लोग का मन था मछली छोड़ने का। और ये एक मंदिर है, इसके पहले भी इसका वीडियो बनाया है हम। और हम जा रहे छोड़ने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग खिला रहे हैं और अभी कुछ लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है जी? एक्सरसाइज चल रहा है, मसाज चल रहा है, यहाँ पे मसाज हो रहा है। ओए बाबा, और इनको बहुत जल्दी है पानी में जाने का। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी फिश है। एक बार और हम इसका वीडियो बनाए थे, मगर उस दिन हम खाना नहीं लेके आ पाए थे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। यहाँ पे सभी लोग ये मछली छोड़ने के लिए आते हैं। देखो बेटा फिश है, फिशी। अभी तुम खाना दोगी ना तो फिशी आएगी तुम्हारे पास। सही बोले। और वहाँ पे देख सकते हैं भगवान बुद्ध हैं। और यहाँ पे सब छोड़ने आता है मछली बाबा जी। और ये दिख रही मछली कितना जोर से उछाल मार रही है, आवाज आ रहा है। और हम इन दोनों को आज़ाद करते हैं, इसमें बड़ी हो जाएंगी, काफ़ी दिन तक अच्छे से रहना। और देखिए जिसको हम छोड़े थे अभी तरीक घूम रही है, गई भी नहीं है अंदर। ये खुश हो गई होगी कि किसी ने हमको आज़ाद कर दिया। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, देखिए नीचे हमको डर लग रहा है, पानी काला है। अरे बाबा रे। और ये देखिए एक इसको भी छोड़े थे, वो भी इधर ही घूम रही है। आएंगे वहाँ, देखिए खाने के लिए मछली आ गई है। और मेरे हस्बैंड को डर लग रहा है। आप खिलाइए, आप खिलाओ। मेरे हस्बैंड को डर लग रहा है। फेंकी आस्था, तुम भी खिलाओ, सब लोग खिलाओ। फिशी को खाना खिलाओ, ज़्यादा सा फेंकी है। देखिए आप लोग कहाँ फेंक रहे, उधर फेंक रहे। ये
और काफी लोग आए हैं मछली को खाना खिलाने, मेरे पीछे खिला रहे हैं। और ये एक मछली का तो हमको समझ में नहीं आता, उल्टा की चलती है। तो इधर ही खिला दीजिए, सही है। हाँ इधर ही, अब बहुत स्लो दे रहे हैं, जल्दी जल्दी देंगे ना तो जल्दी जल्दी आएगी सब। हाँ एक बड्डी में सारा फेंक दीजिए। और यहाँ पे ना पानी कम, मछली ज़्यादा दिखता है। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक देखिए सारी मछली भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना मछली को आज़ाद किया जाता है। यहाँ से एक भी फीस उठा के कोई खाता नहीं है। और भगवान हम लोग का दुख दूर करे, तो अक्सर आते रहेंगे, मछली आज़ाद करते रहेंगे, उनको खिलाते भी रहेंगे। काफ़ी तकलीफ़ हो गई है हम लोग को। और मेरे हस्बैंड बोले सब तरफ की मछली को खिलाओ, एक ही तरफ की नहीं। यहाँ खिलाएंगे, यहाँ पे ढेर सारा है। सब लड़ाई करती है। और जल्दी से मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा और हम अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम लोग को घर से दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा सारा। तो अक्सर आया करेंगे यहाँ पे मछली छोड़ने। खिलाइए। अरे देखिए, वाह, पता नहीं क्या, नहीं वही ब्रेडी तो है, वो तड़ दे रही है सारे दुकान होगा। और ये देखिए यहाँ पे बहुत कुछ आ रही है। और यहाँ पे सभी लोग खाना दे रहे हैं, इसीलिए इतना फिश तैर रहा है। और ये लोग दे रहे खाना, आप भी दे दीजिए, उधर पीछे के साइड को भी दे दीजिए। और हम लोग बड़ा पैकेट लिए थे आस्था के पापा, सब दे दिए खाने को। आस्था मजा आ रहा है ना, आस्था को भी दे दीजिए खिला दे, खमिकिंग करा दे बेटा फिश को। सुस्त है सफेद वाली मछली, पता नहीं क्यों उल्टी दिख रही है हमको। नहीं खा पा रहे, उल्टा है, देख रहे हैं वो उल्टा है, पता नहीं क्यों। आस्था भाग रही अपने पापा के साथ फटाफट फटाफट। और अभी अच्छा समय है, 4 बज रहा है शाम को, अभी काफ़ी लोग घूमने आए हैं। और ये रेबूत भगवान, इसके पहले भी हम इनका एक वीडियो शूट करके ले गए थे। और जैसा आप लोग को पता है कि ये मंदिर हम लोग के घर के पास में है। क्या जय कर लो, ओके जल्दी से जय करो, बड्डी करो बड्डी, यस ऊपर चलिए चलिए। और ये आस्था आस्था के पापा मंदिर पर चढ़ रहे हैं,
हम लोग इसके पहले वाले जब आए थे तो इसमें नहीं आए थे अंदर। और मंदिर के अंदर देखिए कितना शांति है, और शाम का समय हो गया ना। भगवान जी की जय करो, भगवान जी की जय करो। और ऊपर यहाँ राजा का ही बस ज्यादातर तस्वीर दिख रहा, नहीं जितने राजा नहीं हैं, ये सब राजा है नहीं है ना, अभी एक्सपायर कर गए ना। और यहाँ पे लग रहा है जैसे ऑक्सीजन का कमी है, घुटन हो रहा है सांस लेने में। तो कौन फंक्शन है ना, फंक्शन में तो खोल रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुटन है क्योंकि यहाँ के एसी भी बंद है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए सारा एसी बंद है। और ये हॉल इतना बड़ा है कि कान में ना सनसनासन कैसा आवाज़ आ रहा है। हम लोग निकल रहे इधर से, चलिए जी जल्दी बाहर। अच्छा ऊपर भी कुछ है, ऊपर भी कुछ है। थाईलैंड में घूमने का बहुत अच्छा अच्छा जगह है, बस थोड़ा छुट्टी चाहिए और ज़्यादा सा पैसा चाहिए। नहीं जी, थोड़ा छुट्टी और ज़्यादा पैसा, और आस्था को खुला जगह मिल जाना चाहिए। क्या हेल्थ, क्या हेल्थ। और आस्था, आस्था डर गई भगवान बुद्ध को देख के, इनका हाइट देख के अक्सर डर जाती है आस्था। तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, मौसम भी अच्छा है ना, दो दिन से बारिश ज़्यादा गिर रहा है। क्या मम्मी, आस्था को मजा आ रहा है। देखिए यहाँ भी पीपल का पत्ता, नीचे नीचे है। और शाम का समय हो गया, मंदिर के अंदर पूजा वगैरह कुछ हो रहा है। और आस्था बदमाशी कर रही है, आस्था पापा बोल रहे बैठ जाओ, बढ़ जा बढ़ जा बैठ जाओ आस्था।